कॉन्वेंट स्कूलों में मनमाना फीस लिए जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के कलेक्ट्रेट सभागार में एक मीटिंग की तथा कड़े निर्देश दिए कि अगर किसी भी स्कूल की शिकायत मिलती है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित विभिन्न स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने सभी स्कूलों के प्रबंधकों को निर्देश दिए कि स्कूलों में मनमाना फीस वसूली, स्कूल से ही कापी किताब ड्रेस लेने की शिकायतें मिल रही हैं जिसको दूर किया जाए। डीएम ने कहा कि अभिभावकों से शासन द्वारा निर्धारित फीस ही वसूली जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, मान ले मोटा मोटा गोरखपुर में मान ले तो 7 लाख तो यहाँ जो जनसंख्या ठीक है, वी आर हैविंग 3000 स्कूल बट दैट इज इन रूरल एरिया। अर्बन एरिया में हम लोग के पास भी कैपेसिटी लिमिटेड, वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड स्कूल। उसका अंग्रेजी स्कूल जो पढ़ाने वाले स्कूल ग्रेड है वो लिमिटेड, लाइक गोरखपुर में वी आर जस्ट कमिंग अप विद 100। उसके बाद धीरे धीरे वे बैक आपका पर्पज, मेन पर्पज यही था यार, दिस इज वाई गवर्नमेंट इज लीनियंट टुवर्ड्स यू। बाकी स्टेट्स है यहाँ पे और प्रिंसिपल और सरल कर रखा है, बाकी जगह तो एस्टैब्लिश करना तो बहुत मुश्किल था। यूपी गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सपोर्ट, मैं तो आपसे भी जानना चाहता हूँ क्या इश्यू, इस पर तो हर साल बढ़ते जाते हैं आप फीस, इस पर तो प्राइस भी आ जाए। आप यदि आपके आप यार यदि आप यूनिफॉर्म बेचेंगे और किताब बेचेंगे और आप यदि गाड़ी चलाएंगे जिससे कमर्शियल थिंग प्राइवेट सेक्टर से किसी कपड़े वाले से और किसी किताब वाले से, उसपे जो MRP प्राइस लिखा हुआ 100 रुपया तो दे रहा था 1000 रुपया का। अब तो फिर घूम फिरा के तो हम लोग के सामने तो आएगा, तो फिर अब कब तक हम मोन में रखेंगे? तो हम चुप रहेंगे तो वो समझता है हम लोग भी मिले हुए हैं, फिर फोर्स टेक एक्शन अगेंस्ट, हम लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। एंड ये तो एक्ट के बारे में जानते हैं, 1 लाख से लेके 5 लाख तक जुर्माना लगा सकते, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बट परमिशन भी हम लोग हर साल रिन्यूअल के लिए भेजते हैं, तो देन वी हैव टू रीकंसीडर द इशू। आपको परमिशन क्यों देना है? ताकि आप केवल बिजनेस वेंचर चलाना चाहते हैं तो वेलन पाइन आप होटल खोलिए और कुछ बिजनेस खोलिए, एजुकेशन स्टार्टअप का पॉइंट वो इसी का, यदि किसी का मन में है तो क्लियर करने के लिए बुलाया हूँ। वी हैव रिसीव्ड एन नंबर ऑफ कंप्लेंट, मेरा पास अब तक 1000 कंप्लेंट मेरा पास है, उससे ज़्यादा ही होगा। ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन कवर्ड इन सम पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ इश्यूज तो मीडिया में हाईलाइट हुआ है। आज मीटिंग तो प्राइवेट विद्यालय CBSE विद्यालय उन्हीं लोगों के लिए खास तौर पे, ताकि ये एडमिशन समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे शिकायत मिली है, उन लोग ज़्यादा फीस ले रहे हैं, नहीं तो हिडन चार्ज ले रहे हैं, यानी जो किताब के नाम से, कपड़ा के नाम से, ट्रांसपोर्ट के नाम से, वो सबको बुला करके पिछले साल शासन का जो निर्देश है उसी के हिसाब से जो डिफाइंड रेट है उसी से ज़्यादा ले नहीं सकते हैं। उसके बाद वो हमने सचेत किया इन लोग का, वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए बताया, ताकि जो पिछले साल से ज़्यादा शिकायतें आई थी 2 गुना बढ़ा दिए, उसी के कंट्रोल कराने के लिए बताया था। पर दूसरा मुद्दा है, खासतौर पे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो मॉडरेट बच्चे, मान लीजिए किसी का जो पढ़ने में जो पीछे हैं, वो लर्निंग डिसेबिलिटी होते हैं, उन लोगों को भी शामिल करने के लिए हमने सुझाव दिया है, उन लोग काफ़ी लोग एक्सेप्ट किए हैं। वो ये अभी तो इसके बाद फिर अच्छा सुधर आएगा, मैं चाहता हूँ शिकायत ना हो जाए और ज़्यादा बच्चे के भला हो जाए, इसलिए मीटिंग दिव्यांग कोई बच्चे संख्या निर्धारित नहीं, खासतौर पे 3% होते हैं, 3% लोग उस पर रखने के लिए होता है, मैं इन लोगों का अपेक्षा किया हूँ वो सब लोग लेने के लिए तैयार भी हैं उस पर।